सुशांत सिंह राजपूत केस में आज उस नेबर का बयान लिया गया है जिसने इस बात का दावा किया था कि उसको किसी ने बताया है कि सुशांत और रिया जो है मिले थे 13 जून को, और इस बात का खुलासा खुद सतीश माने शिंदे ने किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर डिंपल का बयान लिया गया, और ये बात तो सही है, लेकिन डिंपल का बयान क्या लिया गया ये बात रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे को कैसे पता चली? क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें उन्होंने कहा, आई हैड सेड दैट वंस रिया चक्रवर्ती इज आउट ऑन बेल वी विल स्टार्ट गोइंग आफ्टर पीपल हु डिफेम्ड एंड ट्राइड टू डिस्ट्रॉय हर लाइफ एंड मोरल फॉर अ 2 मिनट ग्लोरी ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैरिंग फेक न्यूज। वन सच पर्सन वॉज डिम्पल थवानी, अ नेबर ऑफ रिया चक्रवर्ती हु क्लेम्स शी इज अ SSR फैन एंड बिलीव्स She is a his soulmate due to a past life connection. She claims that someone had told her that Sushant Singh Rajput dropped Riya Chakravarti home on the 13th. It was a baseless rumor by a fan who is a part of the media circus and wants to share the limelight with others who claim to know Sushant Singh Rajput. Her statement was recorded by CBI today and you will be able to glad to know what she said to CBI in her statement. तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है जानकर आपको खुशी होगी कि उसने CBI को अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनका ये जो सेंटेंस है इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या उन्हें पता है कि उन्होंने CBI को क्या बताया। अब यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि या तो खुद डिम्पल ने उन्हें ये बात बताई है कि CBI को उन्होंने क्या बताया, या फिर CBI ने, और यही जो है सवाल उठता है कि आखिर डिंपल ने CBI को क्या बताया, ये बात रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे को कैसे पता है, क्योंकि खुद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि आप लोग ये जानकर खुश हो जाएंगे कि डिंपल ने अपनी स्टेटमेंट में CBI को क्या बताया है, और मैं मीडिया से कहूँगा कि वो जाए और पूछे, जो ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है वो जाए और डिम्पल से पूछे कि आखिर उन्होंने CBI से किस बात का खुलासा किया है सत्यमेव जयते सतीश माने शिंदे। तो उनका ये जो स्टेटमेंट है उससे ये लगता है कि उन्हें पता है कि डिम्पल ने किस तरह का बयान जो है CBI को दिया है। अब हो सकता है कि CBI की तरफ से पता चला हो या डिम्पल की तरफ से, पर एक बात साफ है कि उन्हें इस बात की डिटेल है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब ऑनेस्ट मीडिया जाए और पूछे डिंपल से कि CBI को उन्होंने इस पूरे मामले में क्या बयान दिया है।